राधे राधे प्रभु जी। हम वेस्ट बंगाल से आया है तो हिंदी में हमारा थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको माफ़ी मांगना है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आपसे दीखा भी हम ले चुके हैं 2 दिन पहले, आपका मंत्र हम ले लिया, वो जाप कर रहा है तो बहुत ही आनंद लग रहा है हमको, मन में शांति भी लग रहा है। लेकिन हमको एक प्रश्न मन में बहुत माने बार आता है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा है कि आप बोलिएगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो उसका आगे भी तो कोई भगवान है, उसका आगे भी तो कोई भगवान है, उसका आगे भी तो कोई है, तो लास्ट में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, प्याज खाते हो कि नहीं? प्याज खाते हैं? खाते हो। प्याज का सबसे पहले प्याज में क्या मिलता है अपने को? खोसा, खोसा मिलता है, छिलका। छिलका फिर दूसरे छील के हमने दूसरे अंदर गए, कुछ होगा, क्या मिला? वही छिलका ही मिलेगा। फिर थोड़ा सा आखिरी में? आखिर में उसका सांस मिलेगा। आखिरी में भी छिलका है? हाँ, लेकिन उसका पत्ता गोभी भी आप देखिए, पहले भी पत्ता, अंत में भी पत्ता। अच्छा ये बताओ, ये सोने की अंगूठी है, जब ये अंगूठी नहीं थी तब ये क्या था? धातु था, मेटल। सोना था या नहीं? हाँ सोना था, मेटल, सोना का मेटल था। हाँ सोना था। जब ये अंगूठी बन गई तो क्या है? ये अंगूठी कहेगा, अलंकार हो गया। सोना इसमें है या नहीं? है। अंगूठी के पहले भी सोना था, अंगूठी में भी सोना है, और जब ये अंगूठी भट्टी में डाल के पिघला दी जाएगी, बिस्किट का आकार दे दिया जाएगा, तो क्या रह जाएगा? बिस्किट रहे, सोना ही रह जाएगा। शेष क्या रहेगा? सोना। सोना। उसी तरह जब ये संसार नहीं था तो भी एक भगवान थे, जब ये अंगूठी नहीं थी तो भी सोना था, संसार नहीं था तो भी भगवान थे, संसार है तो भी भगवान है, अंगूठी है तो भी सोना है, जैसे सोना ही अंगूठी बना है उसी प्रकार भगवान ही संसार के रूप में दिख रहे हैं, और जब कुछ नहीं होगा एकमात्र परमात्मा रह जाएगा। उसी तरह आदि में भी वही है और अंत में भी वही है, दूसरा नहीं है। सोना बताओ, सोना एक होता है कि अनेक होता है? एक होता है, वो मौलिक है। हाँ, सोना चाहे अमेरिका में हो या भारत में हो, आपके पास हो या मेरे पास हो, उसे कहा क्या जाएगा? सोना ही बोलेगा। वो सोना ही है, एक ही होता है ना। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक था, एक है, एक ही रहेगा। जैसे आपने कहा कि भगवान का भगवान कौन? नहीं, वो सबसे जो मूल है उन्हीं को हम लोग भगवान कहते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है, वो भगवान है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। माने ये विश्व सृष्टि होने का पहले जितना यूनिवर्स है उसका पहले भी भगवान था? उसके पहले भी भगवान, घड़ा बनने के पहले जो घड़े की माटी है वो माटी थी, घड़े में भी माटी है, और घड़ा टूट गया तो क्या बची? माटी, माटी बची। उसी तरह संसार नहीं था, घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है, और घड़ा नहीं रहेगा तो भी माटी रहेगी। संसार नहीं था तो भी भगवान थे, संसार है तो भी भगवान है, संसार नहीं रहेगा तो भी शेष भगवान ही रहेंगे। प्रभु हमारा आज थोड़ा एक तो प्रश्न है। बोलो। अब जो गीता में हम लोग पढ़ रहा है जे बहुत लोग का बारे में बात बोला है गीता में, तो धोरिए जैसे नया कोई ग्रह है जहाँ पर मनुष्य का भाई अवस्थान हो सकता है, तो कोई ग्रह का नाम नहीं बताया गीता में, खाली बोला सब नक्षत्रों ग्रह राज का हम ही श्रेष्ठ है, हम ही सृष्टि करता है, तो हम मान लेता है, तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत क्लू भी मिलना चाहिए था कि तब तक हम विश्वास करें कि उन्होंने सब जानता है, ई ग्रह का क्या नाम है, इसमें कहाँ पर है, माने मनुष्य हो सकता है, कहाँ भगवान हो सकता है, इसका तो कुछ भी हिंट्स मिलना चाहिए। इसका ग्रहों का, ग्रह का बारे में बोले है ना कि हम भुवन में जितना है यूनिवर्स में उसका सृष्टि करता है। हाँ, तो खाली पृथ्वी का बात ही बोला है ना? पढ़ो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ो, लिखा क्या है हिंदी में समझाता हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, भगवान के एक एक रोम में पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स,
लटक रहा है। भगवान के एक रोम में इतना कुछ, ऐसे भगवान के कितने रोम हैं, ऐसे अनेक पृथ्वियाँ भगवान में समाई हैं, लटक रही हैं। अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक शिव हैं और भगवान एक है। यहाँ भी सृष्टि है, वहाँ भी सृष्टि है। सृष्टि पृथ्वी कितनी बड़ी है, सात लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, सात लोक ऊपर हैं, है ना। भूर भुवा श्वः महरलोक ब्रह्मलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक सब ऊपर हैं। उसके ऊपर ध्रुव लोक है, उसके ऊपर जाकर के फिर वैकुंठ धाम है, सबसे टॉप पर है ना। तो भगवान ये पूरी ऐसी और पृथ्वियाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल में बहुत सारी पंखुड़ियाँ हुई, ब्रह्मा जी पैदा हुए, उस कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में ये पृथ्वी रखी हुई है। अब जो अन्य पंखुड़ियाँ हैं उनमें अन्य पृथ्वियाँ रखी हुई हैं। और एक ठो प्रश्न करेंगे यहाँ पर बहुत ये है जी, तो हम बोल रहे हैं जे सूर्य से खंडित होके पृथ्वी का सृष्टि हुआ है, इसे हम लोग पढ़े हैं। हाँ ठीक है ना, तो सूर्य से खंडित होके जब पृथ्वी पड़े है तो वो बात आप मानते हैं कि नहीं मानते, एक नंबर। दो नंबर हमको प्रश्न करने दीजिए, उसको बाद उत्तर तो लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो पृथ्वी तो ग्रह से ही आया है, कोई तो पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह है। हाँ, पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, तो सूर्य नक्षत्र है, तो नक्षत्र से पृथ्वी का सृष्टि हुआ है। हाँ। उसका प्रमाण भी है, क्योंकि अभी भी जियोलॉजी लोग प्रमाण कर दिया भीतर में आग ही जल रहा है, ठीक है ना। ये तो बात सही है, जितना हम लोग डिसेंड करेगा बिलो द अर्थ उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे मतलब क्या है कि पृथ्वी का कोर जो है वो अभी भी जल रहा है। तो ये तो एकदम निश्चित रूप से बोला जाएगा कि सूर्य से इसका मने सृष्टि हुआ, तो इसमें भगवान का योग कैसे आता है भाई, ये बताओ। सूर्य अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है, हाँ या ना। आज हमारे देश में ट्रेन चल रही है, यदि ट्रेन चल रही है तो कोई तो है ना चलाने वाला, बिना चलाने वाले के ट्रेन कैसे चलेगी, चलेगी भाई। वस्तु चल रही है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, तो चलाने वाला कोई है, हाँ या ना। यस हाँ या ना। तो जब पृथ्वी और सूर्य अपनी गति पर चल रहे हैं, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, तो यदि सही वक्त पर सही परिक्रमाएं कर रहे हैं, सही दिशा पर चल रहे हैं, तो कोई तो है इन्हें चलाने वाला, और वह कोई जो है वही तो ईश्वर है। तो सूर्य और पृथ्वी से परे है ना भगवान, भाई भगवान तो इनसे भी ऊपर है ना, ये तो इनकी सृष्टि है। अब टाटा बिड़ला अडानी अंबानी, उनका काम भारत में भी है, उनका काम अमेरिका में भी, उनका काम जापान में भी है। अडानी तो एक है पर काम उसका सब जगह है, और सब जगह मैनेज कर रहा है वो आदमी, करा रहा है। तो जब अडानी जैसे लोग सारे देशों में अपना काम फैला के उसे मैनेज कर सकते हैं, तो भगवान बहुत सारी पृथ्वियाँ कैसे मैनेज नहीं करेंगे भाई, भगवान है। तो वो हम तो नया नया आपका चरण में आया है, ज़्यादा डिस्टर्ब करना हमको ठीक नहीं है। ना ना, आप अच्छा पूछ रहे हैं, जो भी संदेह है पूछ लीजिए। अच्छा देखिए, हमारा और एक तो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा जो मिसेस है ना वो घर में पूजा करता है लेकिन गृहवासी रहना चाहता है, और हम माने सरकारी नौकरी कर रहा है, 5 साल नौकरी है, तो हम चाहता है कि वृंदावन में बस करेगा, ये आपका पास ही रहेगा, तो उनमें थोड़ा सा ये होता है माने क्या बोलेंगे। अभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो। जिम्मेदारी हम थोड़ा बहुत पूरा ही कर लिया, हमारा 2 लड़की है, शादी कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, 1 लड़का है वो भी बीटेक कर लिया है, उसका विवाह हो गया, उसका विवाह होने से 5 साल का अंदर हो जाएगा, वो 22 साल का हो गया। हाँ, उसका विवाह कर दो और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो, फिर हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, सब कुछ करते हुए, सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मन भगवान में लगा दो। सिर्फ मन लग जाए, आप भारत के या दुनिया के किस कोने में हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहाँ है ये मायने रखता है। मन यदि आपका भगवान के चरणों में है तो आप जहाँ हैं वहाँ से भी आप वृंदावन से जुड़े हैं। लेकिन प्रभु जी, एक तो पार्थक्य है, हम जो सोचता है, आपका पास जो एनर्जी हमको मिलता है
ये जो सत्संग है तो हम दुस्संग में रहेगा तो उसमें डिफेक्ट जरूर होगा, माने कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। तो महात्मा का पास रहने से ही तो ज्यादा हमको तरक्की होगा ना। घर में हम रहेगा तो पांच किस्म का डिस्टर्ब है। अभी क्या करो, आप अभी आना जाना बनाए रखो। हाँ, वही करना चाहता हूं। फिर थोड़ा बच्चों से फ्री हो जाओ, जिम्मेदारी बच्चे संभाल लें सब काम, फिर धीरे 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 स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, है ना, एकदम से नहीं ना। वही पहले महीने में एक बार आओ, फिर महीने में दो बार आओ, है ना, पहले दो महीने में एक बार आओ, साल में एक बार आओ, धीरे धीरे आना जाना बनाए रखो, धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाओ, धीरे धीरे मन संसार से हटाओ, एकदम से नहीं। अच्छा प्रभु, ये सब देख के हमको हमारा वाइफ बोलता है कि जो हमारा बेटी है उनका घर नहीं जाने देता है ड्रेस में, बोलता आपको पागल बोलेगा, ठीक है ना। तो हम मैंने क्या करेंगे, हम तो यही ड्रेस नहीं छोड़ता है तो उन लोग को घर भी छोड़ देना पड़ा, बाहर भी छोड़ देना पड़ रहा है, उनसे भी बहुत किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, बोलता आपको माथा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, उन सबको कथा सुनवाना, बिहारी जी सब पर कृपा करेंगे। खुश रहो।